दिया है। और जो टिकटें अभी वितरण हुई है बहुत बढ़िया हुई है। मैं जितने भी मुसलमान आए हुए हैं, सबसे पहले एक दो बातें, मैं टाइम बहुत छोटा है पर मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा मुझे दो मिनट देना चाहिए। जैसा कि गीता जो है, गीता एक संस्कृत है, भाषा उसकी, जो चाहे इतने कितने भी हिंदू बैठे हैं, जो महाराज कथा करेगा वो तो पहले कुछ ना कुछ गीता का पाठ पढ़ेगा। जैसे हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ये गीता का शब्द हुआ, कुरान का हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ने में दोनों में फर्क नहीं है, पढ़ने में दोनों फर्क नहीं है, तो अंतर में जो उसका विभाजन है उसमें फर्क नहीं है। ए हमारे प्रभु, ए हमारे परमात्मा, जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें मेरी मदद तू करना, तेरे सेवा किसी मुझे और का मोहताज मत करना। यही हरि ओम नमः शिवाय का, बिस्मिल्लाह का अर्थ है। गीता में बताया गया शिव जी पार्वती जी, कुरान में उन्हें बताया गया शिव जी को हजरत आदम पैगंबर, और पार्वती जी को बताया गया बीबी हवा। ये यहाँ पे बात करने वाली नहीं है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम अनपढ़ हैं। आई एम टू मच अनस्टैंड गाइस बिफोर टेमेज, आई एम सुप्री कमांडेड टू रिटायरमेंट। मैंने जहां से सूरज निकलता है, जहां पे सूरज डूबता है, इसमें ऐसी कंट्रियां कम रह गई है जो मेरे आंखों ने ना देखी हो। दुबई, ओमान, अमेरिका, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में एरोप्लेन में बहुत बड़ा ऑफिसर होकर रिटायरमेंट आया हूँ। ये लिबास मेरा सोपारी नहीं है, इसलिए हो सकता है कुछ भी हो। मैं 12-13 लैंग्वेज जानता हूँ, 8-9 लैंग्वेज का बीएड स्टूडेंट हूँ। तो मैं इसलिए ये सब बातें पढ़ता हूँ कि हमारे धर्म में जो हम लड़ रहे हैं क्यों हैं। इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, टेम ये करने के लायक है। तो शिव जी को कुरान के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, पार्वती जी को बीबी हवा, गीता के अंदर प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी को तकलीफ देने वाले का नाम हरनाकुश, और गीता कुरान के अंदर प्रहलाद जी का नाम रखा गया हजरत इब्राहिम पैगम्बर, और हरनाकुश का नाम रखा गया नमरूद। अंजना जी जो बिना शादी के औलाद हुई, या जो भी मुस्लिम बैठे हैं उनको मालूम होगा कुरान के अंदर एक ही लेडीज ऐसी है जिसका नाम रखा गया है बीबी मरियम। जैसा बाइबल जो बनी हुई है, जो ईसाई हैं वो सिर्फ अंजनी जी और उनके बेटे हनुमान जी की वजह से ये सारा ईसाई धर्म है। उनके बेटा हुआ हनुमान जी, जो बहुत बड़ा ताकतवर, और कुरान के अंदर उसको कहा गया हजरत अली। मैंने इसको उदाहरण इसलिए आपको दिया है कि भाषा अलग है, हम समझ नहीं रहे हैं, नाम एक ही है, चीज एक है, नाम अनेक है, हम समझ नहीं रहे हैं। इसलिए किसी होटल पे जाएंगे मारवाड़ी में, कहीं कैसा, अरे भाईडा एक चाप आए, हिंदी में बोलेंगे भाई साहब एक चाय दो, इंग्लिश में बोलेंगे माई ब्रदर वन टी, अरबी में बोलेंगे अखू वाहिद शरब, सिंधी में बोलेंगे बाबा हिकड़ी चाय दीजा, पंजाबी होगा ओ फिरावा एक चाय देवी। मैं भाषा भी जानता हूँ, तो मैं सारी दुनिया में घुमा हूँ, तो दुनिया का कदर भी मुझे है कि क्या चीज क्या है। हम सारे एक ही माता पिता की औलाद हैं। जैसा मैं खड़ा हूँ इसी गढ़ का मैं कंवर हूँ, मैं एरा गेरा नहीं हूँ, मैं मंगलिया भाटी हूँ। हो सकता है कल मुझे ही देख करके कोई भी मेरा भाई गैर मुस्लिम कहेगा अरे ये तो मुसलमान है, इससे कुछ हादसा करो, मुझसे हादसा कर रहे हो, समझो कि आपके भाई, आपके बाप के जाए भाई से आप हादसा कर रहे हो। जाति बदलती रहती है, इसलिए अब इस विषय से मैं हट करके ये कह रहा हूँ, जितने ये पौधे हैं, इन पौधों के पत्ते जो है ना अलग अलग हैं, इन पौधों के पत्तों से कुछ नहीं बनता है, लेकिन मेहंदी एक ऐसी चीज है जिसका पता जो है ना अपने आप को रंग लाता है, उसको किसी की पेट देने की जरूरत नहीं है। सांग सिंह जी को जो नजदीकी से जानता है, वो मेहंदी की तरह रंग लाया था और रंग लाएगा, उसकी पेट की बातें करने की जरूरत नहीं है। वो एक मेहंदी है, हर समाज में लगने वाला है वो व्यक्ति। हमें यहाँ पे नहरी क्षेत्र की जमीन है, इसमें जमीन चाहिए, पानी चाहिए,
तो इसलिए इसमें मदद करें। जितने मुसलमान हैं कहते हैं कि ये जो बीजेपी है ना ये मुसलमानों की दुश्मन है, मैं सोल्ट कट में कहता माफ करना, मैं मजाक तौर पे कह रहा हूं। देखो कि दुबई के अंदर खलीफा है, जो खलीफा कहा जाता है वो एक मतलब प्रधानमंत्री कहा जाता है, उनके घोड़े होते हैं रेस वाले दौड़ाने वाले। मैं कहने कह रहा हूं, जो मैं बातें कह रहा हूं मेरे आंखी देखी हुई है। वो मुसलमान कंट्री है और हमारे कई मुसलमान कंट्रियां भी हैं, इंडिया में भी मुसलमान ज्यादा हैं, लेकिन वो घोड़ों में काम करने के लिए मुसलमान को वीजा नहीं देते हैं, यानी मुसलमान को उन घोड़ों पे काम करवाने के लिए नौकर नहीं रखते हैं, ना नौकरी देते हैं। सिर्फ उनके पास एक बुक है, उस बुक में ये लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर सबसे पहले जो राजा महाराजा थे वो राजपूत थे और घोड़ों का काम उनका था और उन्हों को घोड़ों का कदर है, उन्हों को इतिहास है। ये तुम्हें मालूम, किसी को मालूम नहीं होगा। इसलिए जो भी यहाँ पे काफी लोग राजपूत लड़का वहां पे घोड़ों में गए हुए हैं उनसे पा, तो वो घोड़ों का वीजा सिर्फ राजपूत को ही मिलता है। इसलिए टाइम की कमी है, सब भाई बोलेंगे, मैंने मेरे अल्फाज से कोई भी गलत अल्फाज निकला हो तो माफ करने का। अपने को फिर भी मुसलमानों के लिए एक बात और कह देता हूँ, जैसे कि कहा कि बीजेपी में राजपूत है और राजपूतों का इतिहास है कि हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने पहले भी ही जनता को संभाला है, अभी भी उनमें संभालने की क्षमता है। जहां पे काम अटक जाएगा हिंदुस्तान का काम बंद हो जाएगा, उस दिन राजपूत ही पार कर सकता है। राजपूत के यूनिट है, राजपूतों की एक यूनिट है, जिसको जब देश के अंदर भारी काम आता है उन्हीं को सबसे पहले वहां पे फर्स्ट किया जाता है, क्योंकि ये चंद्र बसी एक सूर्य जाति है। बाकी रही बीजेपी में प्रधानमंत्री जी की बात, प्रधानमंत्री ने ये कहा है मुसलमान को मैं ऐसा देखना चाहता हूँ एक हाथ में कुरान हो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, परदेश में जाकर के फॉरेन कंट्री में जाकर के मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री ने ये कहा कि इंडिया का हिंदुस्तान का मुसलमान देश के लिए जिएगा और देश के लिए ही मरेगा। बाकी छोटे मोटे तो बातें होती रहती हैं, आई डोंट नो, सम गाइस वेरी नाइस, सम गाइस नो अंडरस्टैंड इंडियन रूलर्स, ऑल द वेरी नाइस, थैंक यू सो मच।